चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1. इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एबी इज 24, बीसी 7 मीटर. डिटरमाइन साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी. सबसे पहले हम यहां पर हमेशा आप कोशिश करिए कि ऐसे ट्रायंगल बनाएं और जो कहा गया है उस हिसाब से यहां लिखें. तो जैसे यहां बोला गया है कि ट्रायंगल में बी राइट एंगल है, आप किसी को भी मान सकते हैं, जैसे ए या सी इसको मान सकते हैं, ए इसको मान सकते हैं. तो ए बी है यहां पर 24 और बी सी आपका है 7. तो सबसे पहले तो हमको ये वाला नंबर लिखाना पड़ेगा, क्या नंबर है इसका. तो ये कैसे निकालेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहां पे. और पाइथागोरस थ्योरम जैसे हम लगाएंगे, हम देखेंगे कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, इस तरीके से हम मान सकते हैं. तो 24 का स्क्वायर कीजिए, 7 का स्क्वायर कीजिए, दोनों को जोड़िए और इसका अंडर रूट निकालिए. और देखेंगे हम कुछ 25 जैसा आ रहा है यहां पे, हमें एक साइड मिल गया यहां पे 25. तो ये ट्रायंगल इस तरीके से बनाइए. अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जब ये आपका ट्रायंगल बन जाए तो साइन ए, कॉस ए, ये निकालना इतना आसान है. क्यों? क्योंकि आपको सीधा ये मान के चलना है कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है. और सीधा कहीं कोने में आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल आप लिख सकते हैं. और साइन ए पहला उठाइए, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर क्या है इसमें, आपका 7 है और हाइपोटेन्यूज 25. तो 7 और 25 आपका साइन हो गया. इसी तरीके से आप अगर आपको कॉस निकालना है तो आप बेस बाय हाइपोटेन्यूज करेंगे. इसी तरीके से बेस आपका 24 है और हाइपोटेन्यूज आपकी 25 है. तो 24 बाय 25 जो हो गया कॉस हो गया. और टेन निकालना है, जैसे इसमें बोला नहीं है लेकिन अगर आपको टेन निकालना होता तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपका 7 है और आप 7 बाय 24, इस तरीके से 7 बाय 24 टेन भी निकाल सकते हैं. ये तरीके हैं आपके. अगले में भी कुछ इस तरीके से हम करेंगे. अब यहां पर एक और है साइन सी कॉस सी, यहां पर थोड़ा सा फेर बदल है. अब जब हम इसको यहां एंगल ए मानेंगे तो साइन ए निकालने के लिए तो जो मैंने अभी अभी आपको बताया वो करेंगे. और कॉस सी के लिए भी बिल्कुल सेम करेंगे. कॉस सी के लिए क्या होगा, जो भी एंगल बनेगा 90 डिग्री यहां पर है, जो 90 डिग्री के साथ संबंधित है वो बेसिकली आपका बेस हो जाएगा. हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम रहेगी, अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका. ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया. इसमें भी ये लगाइए तो जो साइन है वो आपको क्या मिलेगा. अब फिर से मैं इसको करके दिखाता हूं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. अब यहां चीजें चेंज हो चुकी हैं क्योंकि हम एंगल साइन ए की जगह सी ले रहे हैं. तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इसमें चेंज हो गया. परपेंडिकुलर 24 है और आपका हाइपोटेन्यूज 25 है. ये आपका हो गया साइन सी. कॉस सी निकालना है आपको तो 7 बाय, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, 7 बाय 25. और अगर आपको परपेंडिकुलर बाय बेस निकालना है तो आप परपेंडिकुलर लेंगे आप 24 और आपका बेस जो है वो जो वैल्यू आपकी आएगी वो आप निकाल सकते हैं. जो परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इस तरीके से ये आपको सारी वैल्यू मिल जाएंगी. तो अब और आगे बढ़ते हैं. आपको समझ में आ गया होगा साइन कॉस किस तरीके से निकालते हैं अगर एंगल डिफरेंट हो तो. परपेंडिकुलर बेस दोनों चेंज हो जाते हैं. अब हमारे पास एक फिगर है. इन अ गिवन फिगर फाइंड टेन पी माइनस कॉट पी. ये देखिए आप, 10p माइनस cot p. अब यहां पर 12 है, ये 13 है. अब 13 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं मैं, 12 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. और इसको लगाते ही आप देखेंगे आपका x जो है वो 5 आएगा. देखिए आप इसको करेंगे तो 25 बेसिकली आएगा, उसका रूट लेंगे तो ये आएगा. तो ये आ गया. अब यहां पर आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको निकालना क्या है, टेन पी एंड कॉट आर. टेन पी पहले आप टेन पी निकालेंगे और बाद में कॉट आर उससे माइनस करेंगे. तो टेन पी निकालने के लिए क्योंकि वैल्यू मिल गई है, अब इस पे आ जाइए आप पी इसके हिसाब से. टेन जैसे मैंने आपको बताया था, इसको लिख लें कहीं कोने में, परपेंडिकुलर बाय बेस.
अब पी के लिए परपेंडिकुलर 5 है ये वाला, और जो बेस है वो 12 है, तो 5 या 12 10 पी। और अगर आपको कॉट, देखिए ये कॉट आर निकालना है, जैसे हम बात पहले भी जब समरी हम देख रहे थे तब ये देख रहे थे कि टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, लेकिन हम वो अभी नहीं लगाएंगे, सीधा कॉट आर लेते हैं, पहले टेन आर निकालेंगे। टेन आर निकालने के लिए आप देखिए ये आर है, टेन निकालना है तो पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल के हिसाब से परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे। अब इस आर के लिए परपेंडिकुलर 12 है और बेस 5 है, तो 12 बाय 5 जो है वो तो आपका ये वैल्यू आएगी, लेकिन हमको तो कॉट आर निकालना है, हमें कॉट आर निकालना है जो कि 5 बाय 12 उल्टा करेंगे ना, टेन का उल्टा, टेन जो होता है वह 1 बाय कॉट होता है, ये उल्टा होता है, तो 5 बाय 12 निकालेंगे। अब यहां पर देखिए जैसे हम ये करेंगे 5 बाय 12, ये भी 5 बाय 12 आ गया, ये भी 5 बाय 12 आ गया, दोनों को माइनस करेंगे आपका वैल्यू 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, साइन ए आपको दिया हुआ है 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। अब साइन ए 3/4 दिया हुआ है, राइट एंगल पर जाइए, आपको 3/4 दिया हुआ है, यानी कि साइन ए क्या होता है, अगर हम इस एंगल को माने तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपका इसके हिसाब से ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब आप बीसी जो वैल्यू है, बीसी बाय एसी, ये 3/4 हो गया। अब सीधी सी बात हमको करना क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो अगर हम कोई पाइथागोरस थ्योरम जब लगाते हैं तो हम देखेंगे कि जब वैल्यू आएगी, देखिए एक तरीका यह भी है कि आप इसको इज इक्वल टू के मान लें और बी सी इक्वल टू ए सी के हो जाएगा, और जब यहां पर आप दर्ज करेंगे तो बी सी और ए सी की जगह ये के की वैल्यू लिख दीजिए जो यहां पर यू किया हुआ, और फिर ए भी निकाल सकते हैं आप, तो आपको के का हिसाब किताब में आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन ये के हिसाब में लाया इसलिए गया है क्योंकि अब जब हम कॉस ए साइन ए निकालेंगे तो के कट जाएगा, तो आप इस तरीके से रूट 7 करिए, कॉस ए आपका होगा, टेन ए आपका होगा। जैसे अगर आप इस पर्टिकुलर जगह पे जाएंगे और आप मानेंगे कि भाई हमें तो ट्रायंगल में चीजें मिल गई, ये जो ट्रायंगल है यहां पर इस ए बी सी में हमें वैल्यू मिल गई है, यहां पर ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, अब इनका कॉस ए टेन ए, कॉस ए जैसे आपको पता है कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस ले लीजिए, हाइपोटेन्यूज मतलब हाइपोटेन्यूज हमने निकाला, ये बेस तो हमने निकाला है, हाइपोटेन्यूज हमने 4 के माना है, और इसी तरीके से यहां पर ये नीचे आपका वैल्यू आई है जो हमने निकाली है, और यहां पर 3 के हम रखेंगे, ठीक है, ये इसलिए रखा क्योंकि के कट जाएगा, तो अल्टीमेटली हमको जो वैल्यू है वो ये मिल गई है, ये और ये, बस आपको याद रखना है रामबाण, बस ये। लेकिन हर एंगल के लिए ये ध्यान रखना है कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और जब सैक कोसैक और कॉट आने लगेंगे तो बस इसको इन्वर्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, हमको दिया है 15 कॉट ए इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सैक ए। 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, सीधा हमको क्या करना है, कॉट ए इक्वल टू 8/15, कॉट ए इज 8/15, देखिए 8/15, और कॉट ए क्या है, टेन का उल्टा, और टेन आप देख जानते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो हम ए एंगल है हमारे पास ये, और चूंकि हमें यहां मिला हुआ है तो ये सीधी सी बात है हमारा, दिस विल बी बी सी बाय ए बी टेन होगा, और कॉट करेंगे तो ए बी बाय बी सी हो जाएगा, तो ए बी बाय बी सी हमको यहां पर ये दिया हुआ है। क्वेश्चन अभी यहीं तक है। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हम इक्वल टू इसको के ले लेंगे, और जहां पर पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो ए बी की जगह हम 8 के लिख सकते हैं और बी सी की जगह हम 15 के लिख सकते हैं, क्योंकि ये के मल्टीपल में है, इसको इस तरीके से मान सकते हैं आप 8 के और 15 के। ये देखिए ये रेशियो है, अब इसका मैं थोड़ा सा एक मिनट समझाऊंगा। जैसे 2/4 है, 1/2 के बराबर होता है ना, क्योंकि ये कट जाएगा, इसी तरीके से ये 4/8 के बराबर हो जाएगा। वही कहने का मतलब है कि यहां पर अगर 1/2 इसको कह रहे हैं तो ये अल्टीमेटली क्या है, ये तो 1/2 इंटू ऊपर आपका 2 से मल्टीप्लाई हुआ, और यहां पर 2 से ये कट के 2 ही तो आता है,
यहां पर कट के टू ही आ रहा है, अल्टीमेटली वन बाय टू ही आ रहा है। तो कोई भी नंबर ऊपर नीचे एक नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे फोर से, जैसे मैं बताना चाह रहा था आपको, यहां पर हम फोर से करें, फोर से करें, तो ये आएगा फोर बाय एट ही। इसीलिए हम इसको के मान सकते हैं। तो एट के एक जगह रख दीजिए, एक बार फिफ्टीन के रख दीजिए यहां, और आपको ए सी मिल जाएगा। जो भी साइड निकालनी है वो के टर्म्स आएगी, लेकिन दिक्कत इसमें इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि हम इसको का रेशियो लेने वाले हैं। हम जानते हैं साइन कॉस टाइम में रेशियो आता है। इसी तरीके से साइन ए, जैसे मैंने आपको बताया था, साइन ए इज आपको फिर से वही पंडित दत्त साधार हर बोल याद रखना है। दोनों साइड लिखेंगे, के कट जाएगा, 15 बाय 17 आ गया, सेके जो है आपका ए सी बाय बी सी 17 बाय 8, क्योंकि के कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, गिवन सेक थीटा। आप यहां पर सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जैसे सेक थीटा है, अब मैं आपको फिर से एक बार वही और दोबारा लिखता हूं, जब तक ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आपको ये रट जाएगा पूरा। तो सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा, यानी हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें? ये, और अगर हम सेक थीटा की बात कर रहे हैं तो बेस ही हो जाएगा। तो एसी बाय एबी, देखिए एसी बाय एबी 13/12। अब करना क्या है, इसको हम जो अभी तरीका अपनाया है इसको के मान लीजिए, इंटू के, तो 13 के, एसी की जगह 13 के पुट करिए, एबी की जगह 12 के पुट कर दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम में लगा दीजिए, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इस पाइथागोरस थ्योरम में लगाते ही आपको बी सी जो है वो भी के टर्म से मिल जाएगा, और साइन थीटा हम जानते हैं, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारा पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल से लीजिए और ये के कट जाएंगे, आपको सारी वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, कोसेक भी पूछा गया है, कॉट भी पूछा गया है, तो आपको करना क्या है, बस टेन निकाल लीजिए, उसका उल्टा कर दीजिए। देखिए यहां पर टेन निकाला है, इसी का उल्टा, और कॉस सेक का उल्टा, क्योंकि सेक दिया ही रखा है, तो कोसेक निकालने के लिए आप साइन निकालिए, उसका उल्टा कर दीजिए, साइन का उल्टा, वन बाय साइन इज कोसेक। ये भी याद कर सकते हैं वैसे, अगर किसी को ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, लाइफ टाइम याद रहे, क्योंकि बहुत आगे सालों दर साल काम आएगा आपके इसको याद करना। क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज वो होते हैं जो 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं। सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए कॉस बी के बराबर है, इट शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमें प्रूव करना है। तो हम इस ट्राइंगल में सी डी इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है बीडी के, यहीं से हम निकालेंगे जो जो वैल्यूज हमें दी हुई है। हमें दिया हुआ है कॉस ए और कॉस बी दोनों बराबर है, तो आगे बढ़ते हैं। अब कॉस ए हम जानते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, यहां इस ट्रायंगल के हिसाब से इस एंगल को देखा जाए तो बेस आपका ये होता है, हाइपोटेन्यूज ही होता है। इसी तरीके से कॉस बी अगर हम करेंगे तो यहां पर बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, यानी कि ए डी बाय ए सी इक्वल टू बी डी बाय बी सी। और हमें प्रूव क्या करना है कि ये दोनों एंगल सेम है, तो हम इस पर्टिकुलर लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, इस तरीके से बढ़ाएंगे, ये कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें, इसको इस तरीके से बढ़ाएंगे कि ये दोनों जो है आपके इक्वल हों, और फिर इसको ज्वाइन कर देंगे। यहां पर हमें अल्टीमेटली ये चीज देखनी है, बी सी इक्वल टू सी पी, इसी से आगे ये दोनों इक्वल हों, उतना बढ़ाएंगे और फिर इसको जोड़ देंगे। अब चूंकि हमें यहां पर ये मिल गया है ए डी बाय बी डी इक्वल टू ए सी बाय बी सी, और कंस्ट्रक्शन से हमें बी सी सी पी के बराबर मिल गया है, हमें भी कंस्ट्रक्शन में क्या किया, बी सी और सी पी को बराबर किया, तो जो बी सी है इस पर्टिकुलर जगह पे बी सी को हम रिप्लेस कर देंगे सी पी से। अब इसमें चूंकि ये रेशियो आ गया है हमारे पास, और हमारे पास एक ये हम जानते हैं कि जब हम ट्रायंगल दो लेते हैं और उनको हम अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, या फिर हमारे पास उनको हम ये बता सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो एंगल हमको इक्वल मिल सकते हैं। तो हमारे पास एक और तरीका है, ये जो हमें मिला है इसमें हमको कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, यहां पर हमने ये सिमिलैरिटी प्रूव की है, उसके बाद हमने बताया दोनों एंगल सेम है। और यहां पर दूसरे वाले जो एक और सोल्यूशन है उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम यू मान के ए डी बाय ए सी जो दिया हुआ है
बीडी को इधर ले आए, बीडी को इधर ले आए, इसी को इधर ले जाए तो हमें ये बनेगा। और उसके बाद हम एडी को यू कैन से कि एडी इसको लेंगे, इसको तो एडी क्या है बीडी के, और अब इसको लेंगे एसी हो गया बीसी का। अब सीधा सीधा आप कुछ नहीं करना है, सिमिलरिटी वगैरह अगर आपको नहीं लगा पा रहे हैं, याद नहीं आ रही है, तो सीधा पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री मतलब पाइथागोरस थ्योरम और थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, आप दोनों में आप दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो आप देखिए सी डी स्क्वायर इस तरीके से आ रहा है क्योंकि दोनों में एक लाइन कॉमन है, इन दोनों को बराबर कीजिए और जब इसको आप रीअरेंज करेंगे तो के आपको वन आ जाएगा, इसका मतलब ए सी इक्वल टू बी सी। और जब ए सी इक्वल टू बी सी आ गया यानी कि दोनों साइड यहां पर आपके इक्वल आ गए, तो जो साइड इक्वल होते हैं वो उनके एंगल अपोजिट जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया ये दोनों इक्वल है तो एंगल भी इक्वल हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये तरीका है। तो देखिए दो तीन तरीके हो सकते हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे आप वो उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन में आते हैं, कॉट थीटा दिया है 7/8, इवेल्युएट, आपको ये इवेल्युएट करना है, लेकिन इसको इवेल्युएट करने से पहले यानी कि इस पर्टिकुलर वन और टू पे जाने से पहले आपको ये कुछ निकालने पड़ेंगे, साइन कॉस, और इसमें के साइन कॉस निकालना है यहां पर कॉट निकालना है। और हम जैसे जानते हैं कि कॉट और टेन आराम से साइन और कॉस से निकल सकता है क्योंकि जो टेन होता है वो साइन बाय कॉस होता है और कॉट जो होता है वो कॉस बाय साइन होता है। तो हमारे पास जैसे कि दिया हुआ है, हमारे पास एक ट्राइंगल है और कॉट थीटा क्या होता है, जैसे अगर टेन थीटा देखें पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल से, तो पी बाय बी यानी मैं इसको लिख के बताता हूं आपको वो ज्यादा सही रहेगा, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, देखिए पी बाय बी जो होता है वो टेन होता है अगर ये थीटा माने तो परपेंडिकुलर बाय बेस, ये आपका परपेंडिकुलर है ये बेस है, यानी कि अगर आप ये माने टेन को तो वो ए बी बाय बी सी होगा, ये ए बी बाय बी सी, लेकिन कॉट लेना है कॉट उल्टा कर दीजिए 7/8 हो जाएगा, तो आपको कॉट मिल गया यहां पर। और आप चूंकि आपके पास और कुछ सामग्री इसमें है नहीं, कॉट थीटा जो है केवल 7/8 दिया हुआ है, यहां पर देखिए 7/8 दिया हुआ है, तो आप क्या करें बी सी बाय ए बी 7/8 हो गया। और जैसे मैंने आपको बताया था कि बी सी बाय ए बी क्योंकि ये दिया हुआ है 7/8, आप इसको 7 के मान लीजिए, इसे 8 के मान लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम में रख दीजिए, आपको एसी मिल जाएगा। देखिए एसी मिल गया आपको, एसी क्या मिला, अंडर रूट 1/3 के, ये पाइथागोरस थ्योरम से मिला हमें। और अब हम साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा अगेन वही पंडित प्रदीप प्रसाद हरिहर बोल, साइन थीटा निकालिए, कॉस थीटा निकालिए, अब इससे रूट तो कट जाएंगे तो आपको प्रॉपर वैल्यू मिलेगी, 8/√13 मिलेगा और यहां पर 7/√13 मिलेगा। इसमें रख दीजिए साइन और कॉस की जगह, आप साइन यहां दर्ज करिए, कॉस यहां दर्ज करिए, इसको सॉल्व क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएंगे, आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपको 49/64 आएगा। कॉट थीटा तो क्योंकि दिया ही हुआ है इसमें कुछ करना ही नहीं है, 7/8 ऑलरेडी दिया हुआ है, 7/8 का होल स्क्वायर निकालिए, 49/64 इसका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, यहां पर आपको कॉट ए मिला है, बल्कि 3 cot A जो है 4 मिला है, तो चेक वेदर हम इसको चेक करना है कि ये जो संरचना है इक्वेशन है ये सही है कि नहीं। हमें 3 cot A 4 मिला है, cot A को यहां रखिए, 3 को यहां ले जाइए, तो cot A 4/3 हो गया। अब cot A जैसे ये 4/3 हुआ तो आप यहां पर जैसे पिछले बार भी किया था इसके जस्ट पहले वाले एग्जाम्पल में आपको पता है cot क्या है, ए बी बाय बी सी, अगर आप ये एंगल मानते हैं तो ए बी बाय बी सी, और बस 4k 3k ये लिख सकते हैं क्योंकि k कट जाता है तो k लगा सकते हैं, k क्या p m जो भी आपकी मर्जी हो वो आप यूज कर सकते हैं। अब सीधा पाइथागोरस थ्योरम में आइए, पाइथागोरस थ्योरम में इसको स्क्वायर करिए और स्क्वायर करने के बाद देखेंगे आपका ac जो है 5k के बराबर आ गया। अब cos a जैसे आप पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल को यूज करके cos a निकाल सकते हैं, साइन ए निकाल सकते हैं, k कट जाएगा, इसी तरह tan a निकाल सकते हैं। इन तीनों को निकालने के लिए मैं फिर से इसको दर्ज करना चाहूंगा, ये आप यूज करिए, और ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, और इसका उल्टा कर दीजिए तो आपको इसके उल्टे मिल जाएंगे, यानी कि कोसेक, सेक और कॉट। इसी तरीके से हमने ये वैल्यूज लिखी है,
अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, तो टेन ए तो हमें मिली गया है 3/4, 3/4 यहां दर्ज कर दीजिए, इसको सॉल्व करिए, देखिए 7/25 आता है। अब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए पे जाइए, इस कॉस स्क्वायर ए आपके पास 4/5 है, साइन स्क्वायर ए आपके 3/5 है, इसको स्क्वायर करके माइनस करिए, देखिएगा आप ये भी 7/25 आ रहा है और ये भी 7/25 आ रहा है, दोनों 7/25 आ गया, तो ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल डेट बी, टेन ए 1/√3 दिया हुआ है, हमको ये निकालना है। अब टेन ए तो दे रखा है, लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि कॉस सी भी इन्वॉल्व, यानी कि आपको सी के भी यहाँ निकालने हैं, ये तो आपको ए तो मिल जाएंगे क्योंकि टेन ए मिला हुआ है, तो इसमें टेन ए मिला है 1/√3, टेन ए क्या है, टेन है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस यानी बी सी बाय ए बी, 1/√3 दिया हुआ है, फिर से इसमें क्या करें, के जोड़ें, पाइथागोरस थ्योरम निकालें, पाइथागोरस थ्योरम से आपको ए सी टू के मिल जाएगा, साइन ए निकालें, कॉस ए निकालें, साइन ए कॉस ए आराम से निकालना आप सीख लेंगे, क्योंकि पंडित ददी प्रसाद हरिहरि बोल आपके दिमाग में अगर बस गया तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। साइन सी निकालने के लिए, कॉस सी निकालने के लिए आपको ये एंगल लेना पड़ेगा, ये वाला, ये वाला, तो ये हाइपोटेन्यूस वही रहेगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये इसलिए यहां पर थोड़ा जो प्रकरण है थोड़े चेंज होंगे, आप ये यूज करेंगे और √3/2, 1/2, बाकी वैल्यूज तो वही, वैल्यू तो एक बार निकाल ली वो तो आएगी आएगी। अब हम साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन ई इसमें हम रखेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है, वो 1 आएगी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी यहां पर वैल्यू रखेंगे तो आपको ये वैल्यूज आएंगे, 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में जाते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू प्लस क्यू आर इक 25, आपके पास ये ट्राइंगल है पी क्यू प्लस क्यू आर, ये आपको 25 मिला है, पी क्यू 5 मिला है, आपको साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमारे पास पी क्यू प्लस क्यू आर 25 मिला हुआ है और पी क्यू जो है यहां पर हमको ऑलरेडी 5 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि पी आर और या क्यू आर को किसी एक के टर्म में लिख लेंगे, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम निकालें, क्यू के क्यू आर जो है वो 25 माइनस एक्स मान लें, क्योंकि हमने पी आर को एक्स मान लिया, अब सीधा हम एक्स के टर्म्स में बात करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम निकालिए, यहां पर एक्स आपको मिलेगा 613/50/50, तो एक्स 13 मिल जाएगा, अब पी आर क्योंकि एक्स माना था तो 13 हो जाएगा, क्यू आर 25 माइनस 13 तो 12, अब जैसे ही आपको ये तीनों वैल्यू मिल गई, 13 भी मिल गया, 12 भी मिल गया, 5 भी मिल गया, तो अब आप सीधा साइन कॉस टैन लगा सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोल से और आपको ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, हमें बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहला है द वैल्यू ऑफ टेन इज ऑलवेज लेस देन 1, जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन और कॉस जो है वो माइनस 1 और 1 के बीच में लाया करता है, टेन हमेशा इससे ज्यादा बड़ा होगा, तो ये आपका फॉल्स हो गया। सेक ये 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, क्या ये हो सकता है, अब इसको देख लेते हैं, आप देखिए मैंने जैसे यहां बताया था कि गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि उसकी रेंज ही ये होती है, और दूसरे वाले में हम जिसकी बात करें 12/5 ये है, हमने यहां पर एक ट्राइंगल बनाया 12/5, 12k/5 के हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, बीसी जो है 10.9 के, ये हमारी वैल्यू आपकी आ रही है। तो अब इसमें क्या है कि एसी तो 12 के है, ए बी 5 के है, बीसी शुड बी सच दैट, यानी कोई एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए बीसी जो इन दोनों के, बीसी यानी कि इस वैल्यू के बारे में बात हो रही है, बीसी तो या तो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हो, के बी लाइक इसके बीच में करता है इनके डिफरेंस और इनके एडिशन के बीच में, अब दोनों के एक वैल्यू है यहां पर कर दीजिए आप देखें बीसी लाइज बिटवीन 7k और 17k, जबकि बीसी क्या है 10.9k, और 10.9k जो है क्या इसके बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल सही है यहां पर, क्योंकि 7 और 17 के बीच में ही आपका 10.9 लाई करता है, ये आपका पॉसिबल है। अब इसमें एक चीज और मैं आपको कहूं, क्योंकि अगर आप रेंज देख लें साइन कॉस टेन की, बता ही देता हूं, यहीं पे बता देता हूं आपको, तो साइन और कॉस -1 से 1 के बीच में रहेंगे, इससे न इधर जाएगा न इधर जाएगा, और कॉस का भी यही है साइन और कॉस, और जो इसके उल्टे होंगे यानी साइन का आपका
sec होगा, cosec होगा और cos का आपका sec होगा, तो इनकी वैल्यू इनके बीच में आएगी ही नहीं, वो हमेशा ऐसी होगी, माइनस वन से इधर और वन से इधर। तो इससे और हम प्रूव कर सकते हैं, जान सकते हैं। हमारे पास है cos A इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द cosecant ऑफ एंगल A। तो cos और cosecant क्या एक जैसे हैं, ये जानना जरूरी है। एब्रिविएशन यूज फॉर cosecant इज cosec, यानी कि cosecant इज cosec, cos A इसका वो एब्रिविएशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। cosec इज फॉर cosecant, नॉट cos A। और अब अगले पे आते हैं। यहां बोला गया है कि cot A, इस क्वेश्चन में बोला है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल भी गलत है। कोई ये मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है, हम बेसिकली cot ऑफ A एक एंगल है उसका हम cot निकाल रहे हैं। दिस इज नो मल्टीप्लीकेशन साइन, कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है इसके बीच में। तो अगर आप कभी डिवीजन में रखें cot A बाय sin A, तो ऐसे नहीं हो सकता A काट सकते हैं, गलत हो जाएगा। अब आखिर में है साइन थीटा इज 4/3 फॉर सम एंगल। अब सीधी सी बात यहां पर देखिए, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि ये जो वैल्यू है ये वन से ज्यादा ही दिख रही है, वन पॉइंट समथिंग दिख रही है, तो वन से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है, ये गलत हो गया। इसके प्रूविंग अगर आपको करनी है तो आप किस तरीके से करेंगे, मैं आपको बताता हूं। आपके पास 4/3 है, आप साइन थीटा जो है वो इस तरीके से लिखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल में, और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिमेनिंग टू साइड्स। यहां पर आप देखिए साइन थीटा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ी होगी, और साइड हमेशा बड़ी होगी हाइपोटेन्यूज, ये बहुत लाजमी है। तो हमेशा कोई भी वैल्यू यहां पर लिखेंगे और उससे बड़ी वैल्यू नीचे लिखेंगे तो ये वन से कम ही आएगा, वन से ऊपर नहीं हो सकता। जैसे मैं 2/5 लिख दूं, 3/5 लिख दूं, ये बड़ा है ना, ये छोटे को हमेशा वन के नीचे ही ले जाएगा, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।